प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आज दिनांक 5 मार्च 2022 शनिवार का दिन है। फाल्गुन मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि है और तृतीय तिथि 20:37 तक रहेगी। आज चंद्रमा मीन राशि में है और 19 डिग्री पर विद्यमान है। आज नक्षत्र रेवती है और रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध देव है। दर्शकों, आज कोई त्योहार नहीं है और आज का राहु काल 9:42:49 से 11:10:41 तक रहेगा और राहु काल में हम कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करते हैं। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:15 से 13:01 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त के अंदर कोई भी शुभ कार्य आरंभ किया जा सकता है। दर्शकों, शुक्ल पक्ष चल रहा है, इसीलिए आज शनिवार का दिन है, अतः आप शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। नीलम सदैव मिडिल फिंगर में पहना जाता है और नीलम को सदैव सोने में, पीतल में या पंच धातु में ही धारण कीजिए। नीलम को कभी भी चांदी में धारण नहीं करना चाहिए। दर्शकों, आज के दैनिक उपाय में एक छोटा सा उपाय आप सभी को अवश्य करना है। आज ओम श्री शनि देवाय नमः इस मंत्र का जाप आप दिन को आरंभ करने से पहले अवश्य कीजिए, यानी जब आप तैयार होकर अपने घर से निकलते हैं अपने काम के लिए, उससे पूर्व अपने घर के मंदिर में ही हाथ जोड़ करके 2 मिनट 5 मिनट 11 बार एक माला, जो भी आपकी श्रद्धा हो, आप ओम श्री शनि देवाय नमः इस मंत्र का जाप करके फिर घर से निकलिए। आज का दिन आपका शुभ होगा। आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करे। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं आपको भगवान शिव के संदर्भ में ही एक विशेष बात भी बता रहा हूं और वो काल भी बता रहा हूं जो काल यानी जो समय भगवान शिव को अति प्रिय है। दर्शकों, आपने प्रदोष के बारे में सुना होगा और बहुत से लोग प्रदोष व्रत करते भी हैं, यानी कि जो त्रयोदशी तिथि होती है उस दिन जो संध्या काल का समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है और त्रयोदशी तिथि के दिन जो व्रत किया जाता है उसे हम प्रदोष व्रत कहते हैं। यानी हर पक्ष के अंदर, चाहे वो उजाला पक्ष हो या अंधेरा पक्ष हो, यानी कि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, दोनों पक्ष के अंदर जो त्रयोदशी तिथि होती है उसे हम प्रदोष काल कहते हैं या उसे हम प्रदोष व्रत के लिए उपयोग में लेते हैं और उस दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। और प्रदोष का व्रत जो लोग करते हैं भगवान शिव की कृपा उनको अवश्य प्राप्त होती है और प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। ऐसे में प्रदोष काल यानी कि संध्या के समय, त्रयोदशी तिथि के संध्या के समय अगर आप भगवान शिव की पूजा भी करते हैं मंदिर में जाकर के, तो आपको विशेष लाभ भी अवश्य होगा। दर्शकों, ये प्रदोष व्रत के संदर्भ में मैंने आपको आज के ज्ञान गंगा में बताया है। निश्चित तौर पर आप इसका आनंद भी अवश्य लेंगे और अपने जीवन में इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। दर्शकों, आज नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से तीसरे का संबंध बन रहा है और आज प्रातः सूर्योदय के समय 6:47:06 पर कुंभ लग्न बन रहा है। कुंभ राशि के अंदर ही बृहस्पति हैं और सूर्यदेव हैं तथा मीन राशि के अंदर चंद्रमा है, वृषभ राशि के अंदर राहुदेव हैं, वृश्चिक राशि के अंदर केतुदेव हैं तथा मकर राशि के अंदर मंगलदेव हैं, शनिदेव हैं, बुध देव हैं और शुक्रदेव हैं। ये ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्न फल और राशिफल दे रहा हूं। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए। आज बुध के कारण से आपके व्यापार, आपके कामकाज के क्षेत्र में आपको कुछ चुनौतियां अवश्य मिलेंगी। आज काम के प्रति आपकी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हालांकि आज परिवार को लेकर, सुख सुविधाओं को लेकर थोड़ा धन खर्च भी अवश्य होगा। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए आज का दिन आपके सपनों को पूरा करने का नहीं है। मन में अस्थिरता के भाव रहेंगे, संतान को लेकर के भी थोड़ी चिंता फिक्र रह सकती है, लेकिन इसके बाद भी आज भाग्य का साथ आपको मिल रहा है और बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से आप अपने कार्य को करने में सफल भी अवश्य होंगे। इसीलिए मैंने जो आरंभ में आपको उपाय बताया है वह करके आज दिन की शुरुआत कीजिए, आपको आज अच्छे फल फिर अवश्य प्राप्त होंगे। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके कार्य क्षेत्र में कार्य का बोझ आपको अवश्य महसूस कराएगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी आप आज अपने कार्य को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे, लेकिन
यदि कैलकुलेटिव तरीके से काम करेंगे, अपनों का सहयोग लेंगे, परिवारजनों की बात को ध्यान रखेंगे और उनसे भी राय मशवरा करके फिर कार्य करेंगे, तो आज के दिन आपको अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन भाग्य आपको उसका साथ दिला रहा है। जो भी कार्य कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं और एक से अधिक कार्य को करके उसके कार्य के परिणामों को अपने पक्ष में करने में कामयाबी आ जा जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्य को करते समय आज कैलकुलेशन आपकी वो नहीं रहेगी जो अमूमन रहा करती है। ऐसे में बुध के कारण से दूसरों का सहयोग आपको अपेक्षित नहीं रहेगा जैसा आप चाहते हैं, इसीलिए अपने बलबूते पर ही आज कार्य को कीजिए, यही आपको करना भी चाहिए। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा मन के अंदर थोड़ी परेशानी देगा, लेकिन बुध आज आपको दूसरों का सहयोग भी दिलाएगा, आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि भी करेगा तथा जो कार्य आप करना चाहते हैं वह कार्य आप आसानी से कर पाए इसकी व्यवस्था भी बुधदेव अवश्य करवाएंगे। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आप जो चाहते हैं वो हो इसकी व्यवस्था अवश्य कर रहा है। अकस्मात लाभ के अवसर भी मिलेंगे, लेकिन मन में अस्थिरता का भाव भी रहेगा। ऐसे में मन को आज नियंत्रण में रखिए, तभी आप कुछ बड़ा लाभ भी अवश्य कमा पाएंगे। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करेगा, कामकाज के अंदर बढ़ोतरी करेगा, कुछ सुख सुविधा का साधन आप अपने लिए खरीदें इसकी संभावना बनती है। चंद्रमा के कारण से आज मित्रों का सहयोग भी मिलेगा तथा धन आगमन भी सुगम रहेगा। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन कुछ अकस्मात लाभ आपको दिलाएगा, भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, संतान के साथ भी मधुर संबंध रहेंगे, लेकिन आज कहीं यात्रा पर जाने से अपने आप को रोकें तथा जो कार्य आप कर रहे हैं उसके परिणामों को पहले से सुनिश्चित कर लीजिए कि क्या ये कार्य आपको करना भी चाहिए या नहीं। फालतू के काम से अपने आप को बचा के रखें, ये आज आपको अवश्य करना है। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन बुध के कारण से परिवार का सुख सानिध्य मिलेगा, धन आगमन भी सुगम रहेगा, लेकिन आज अपनी सुख सुविधाओं पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। ऐसे में आज का दिन आपको दूसरों के लिए व्यतीत करना पड़े और उसके अंदर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान ना रख पाए इसकी संभावना बनती है। मकर राशि और मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। बुध आपको आज बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जो भी काम आज आप करेंगे उसमें आप अपना पहले ही लाभ सुनिश्चित अवश्य करेंगे, लेकिन चंद्रमा के कारण से अति उत्साह में काम आपको नहीं करना है और यात्राओं से आज आपको परहेज करना है। मात्र इतना सा ध्यान रखिए, आज का दिन आपको कुछ विशेष लाभ अवश्य दिलवाएगा। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। बुध आपके मान सम्मान में वृद्धि कराएगा, मित्रों का सहयोग भी आपको मिलेगा तथा रुका हुआ पैसा भी आज आपको वसूल हो इसकी संभावना बनती है, लेकिन परिवार को लेकर के आज आपको कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है तथा परिवार के लिए ही आज आपको धन की व्यवस्था भी करनी पड़े, ऐसे योग आज अवश्य बनते हैं। मीन राशि और मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपको बहुत सारे विचार ऐसे देगा जो आपके काम के अंदर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित अवश्य करेंगे। आज बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से आज आप कार्य कर रहे हैं और अपने हर कार्य के पीछे आपका एक मकसद भी है जो आपको कुछ बड़ा लाभ अवश्य दिलाने वाला है। आज बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से बहुत ही सोच समझ करके आप आज निर्णय ले रहे हैं और जो आपको आज किसी बड़े लाभ की ओर अग्रसर अवश्य करेगा। दर्शक भाई, आज के गोचर के आधार पर मैंने आपको आज का लग्नफल और राशिफल दिया है और इसी के आधार पर आप अपना दिन भी व्यतीत होता हुआ अवश्य पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शक को मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।